सो अभी NH-16 को हम टच करेंगे और अब जाके कुछ मजा आएगा। NH-16 पे आए नहीं, यहाँ से सीधा जाके थोड़ा सा आगे NH-16। चलो भाई, लोग बीच में चलते हैं। तो गाइस फाइनली NH-16 बाय 11:30 हमने NH-16 को टच कर दिया और थैंक गॉड ये उतना परेशानी नहीं होगा, लोकल रोड वगैरह का टेंशन नहीं होगा। अभी स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट। अभी आपको दिखा रहा है नेलूर इज 53 किलोमीटर एंड विजयवाड़ा इज 336 किलोमीटर। तो लेट्स सी। अभी इससे पहले जो है हम थोड़ा एक छोटे स्मॉल ब्रेक के लिए रुके थे, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, टी वगैरह पिया और उसके बाद फिर हमने चल दिए। अब NH-16 इज जस्ट अमेजिंग गाइस, जस्ट अमेजिंग। NH-16 बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मस्त है। NH-16 में ड्राइव करने का मजा ही कुछ अलग है। और दोनों तरफ जो है काफ़ी ब्यूटीफुल खेत हैं, पेडी फील्ड्स हैं, फुल ग्रीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो देखने में। और NH-16 इज जस्ट अमेजिंग। आफ्टर वन ईयर अगेन आई एम ड्राइविंग ऑन NH-16। 2019 में मैंने सोलो ट्रिप किया था अपने घर का, एंड दिस टाइम विथ माई फैमिली। अभी बज चुके हैं दिन के 12:30 बजने जा रहा है और NH-16 पे हम चल रहे हैं और अराउंड टोटल डिस्टेंस जो है वो मैंने कवर कर लिया है 400 किलोमीटर्स। NH-16 जो है काफ़ी अच्छा है, बट प्रॉब्लम यह है कि आंध्र प्रदेश में जो ट्रक्स होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। ट्रक्स हर लेन में ट्रक चलती है, ये अगर 4 लेन है तो दोनों लेन में ट्रक बीच बीच में मिल जाएंगे आपको, कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अभी देख रहे एक्सपेक्टेड टाइम 8:30 है मेरा राजमुंडरी होटल का। सो लेट्स सी कितने टाइम पर पहुँचते हैं। अगर ऐसा क्राउड रहा तो जो इनको कोई सेंस नहीं है ड्राइविंग सेंस, जो बाइक चलाते हैं बीच में चलाते हैं, वो भी साइड में जो वाइट लाइन उसके उधर भी नहीं चलाते हैं, मिडिल पे चलाते हैं। तो ये सब झेलना पड़ता है आप जब चलाते हो गाड़ी को, हाईवेज पे ड्राइव करते हो। तो लेट्स सी, अभी तक तो सो फार सो गुड। मुझे भी इतना नींद आया नहीं, बट स्टिल मुझे फिलहाल तो नींद नहीं आ रहा। सो गाइस व्यू देखिए, दोनों तरफ फुल ग्रीन है और बीच में रोड जो है टॉमिक फुल ब्लैक और काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही मतलब शानदार दिख रहा है। आगे थोड़ा विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है, फॉग काइंड ऑफ लग। रोड्स जो है काफ़ी शानदार है। सो ऑलमोस्ट 415 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, कवर अप कर चुके हैं हम, और कुछ 300-400 किलोमीटर होगा। रिमेनिंग किलोमीटर्स जो है 400 है। बीच बीच में बारिश होने की संभावना, जैसा मौसम वेदर काफ़ी अच्छा किया हुआ बीच बीच में, ज़्यादा धूप नहीं है। सो गाइस एक ही इशू है कि चित्तूर के बाद जो है रोड ख़राब है, ख़राब मतलब बीच बीच में अच्छा खासा ख़राब है, और बाकी अभी विजयवाड़ा तक कोई इशू नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे जो है अपने लंच कर लिया, अभी आधा घंटा से ऊपर रुके थे हम, तो 2 बज रहे हैं और अभी जो है जो डिस्टेंस बचा है वो है 363 किलोमीटर, 7 घंटे लगने चाहिए। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं और जैसे कि आपको पता है NH-16 पे हैं अभी, और पीछे का हाल देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो बेड सेटअप है वो है मेरा। धारवी व्हाट यू आर डूइंग? हाय बोलो। धारवी मोबाइल से पता नहीं खेल रही है, मजे ले रही है। अभी सबको खाना वाना हो गया, तो देखिए ऐसा है पूरा। तो चलिए गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, और साइड में देखिए सगा जगह आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी मैंने 460 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है। चलिए मिलते हैं ऑन द वे।
amazing. So guys, the roads are really amazing. कृष्णा रिवर गाइस, और आप देख सकते हैं दो पहाड़ के बीच में ये रिवर जाती है। तो ये दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में ये रिवर जाता है, जाता है नहीं जाती है, कुछ भी बोल देते हैं, जाता है जाता। देखिए लोग खड़ा होके, यहाँ पे मूर्ख लोग, ऐसे रोड नहीं है, ऊपर से रोड पे गाड़ी को खड़ा होके आप अपना फोटो सेशन करते हैं। यही है विजयवाड़ा। 4 बजे हम एंटर करते हैं, जबकि हम 2 घंटा रुके भी बीच में, 2 घंटा रुके, 5:30 बजे निकले, फिर भी 4 बजे विजयवाड़ा पहुंच गए। बॉस, बॉस लिखा आगे, मिस्टर बॉस जा रहे हैं, उनके गाड़ी पे लिखा है बॉस। पता नहीं कैसे चलता है ये सब, तो नंबर प्लेट पूरा इंडिया में बैन है, फिर भी बॉस कैसे चलता है। 1055 आगे बात, मस्त। तो ये विजयवाड़ा सिटी आप देख पा रहे हैं, और हमें तो जाना है राजमंडी। सो लास्ट टाइम तो मैं यहीं रुका था, इस टाइम नहीं रुकूंगा, इस टाइम सोच रहे थोड़ा और लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। और की पॉइंट आप ये है कि ये जो सिटी का ट्रैफिक, यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ। विजयवाड़ा क्रॉस करके हम राजमुंड्री को चल रहे हैं। सो गाइज, एक्चुअली राजमुंड्री का जो है ये सारा रोड में काम चल रहा है, और बहुत सारे जो है आपका, तो गाइज बहुत सारे डाइवर्जन है, इसकी वजह से जो है कि लेट हो जाता है, अदरवाइज इजीली कवर किया जा सकता है 200 किलोमीटर। सो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन आप देख सकते हैं, और वन वे काइंड ऑफ है, इसीलिए जो है हमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ इश्यू नहीं है। और आई थिंक 7-8 बजे तक जो है हम पहुंच जाएंगे अपने होटल पे। लस्सी, रोड थोड़ा ख़राब, अदरवाइज कुछ इश्यू नहीं होता। चलिए फिर मिलते हैं लोग। सो गाइज, होटल हम पहुंच चुके, होटल रूम। रवि जा रहे हैं, ये इसको पार्क कर देंगे। और ये होटल सेल्टॉन है, इसी पे हमने बुक किया है। एक जगह में तीन तीन लगवाएगा। सो गाइस, होटल पे पहुंच चुके हैं, और होटल जो है पता नहीं, गेट पे कोई भी नहीं है आपको बताने के लिए, गाइड करने के लिए। सो जैसे पैसा लेते उसके हिसाब से एक्सपीरियंस, तो एंट्री के टाइम में ही ख़राब हो गया, तो सेल्टॉन का जो इम्प्रेशन पहले ही ख़राब हो गया, क्योंकि कोई भी नहीं है गाइड करने के लिए, वेल पार्किंग भी नहीं है, आपको खुद पार्क करना होगा। तो देखते हैं अभी रूम कैसा होगा, चलिए मिलते हैं, आपको दिखाते हैं रूम कैसा है, बताते हैं आपको यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, चार्ज तो अच्छा खासा करते हैं। ओके गाइस, हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज जो है डे 2 है, तो कल हमने राजमुंड्री तक का जो है वो 850 किलोमीटर्स कवर किया, और दिस इज़ माय होटल रूम। और होटल जो है इसका नाम है सेल्टॉन, तो सेल्टॉन में जो हमने रुका था, और रूम देखिए कुछ इस तरह का है।
और बाथरूम वगैरह जो है जिस तरह आपको दिख जाएगा। सो गाइज, कल रात को जो है आने के बाद काफ़ी हेक्टिक हो गया था, तो जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो कल अराउंड 7:30 को जो है मैं पहुंच गया था राजमुंड्री। और रोड का कंडीशन के बारे में आपको एग्जिट बताता हूँ क्या स्थिति है। आपका बेंगलोर टू चित्तूर जो है काफ़ी अच्छा रोड है, NH 75 और 69 जो है। उसके बाद चित्तूर से जैसे आप लेफ्ट लेते हो, बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच जो है ख़राब है, फिर आपको जो है तिरुपति बाईपास होते हुए आप जो है आराम से निकल जाते हैं उसके बाद। और बाकी जो है विजयवाड़ा तक NH 16 जो है बहुत ही सही है, बहुत ही बेहतरीन, आप आराम से जो है ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही सही रोड है। उसके बाद विजयवाड़ा से जब आप राजमुंड्री की तरफ आते हैं, तो राजमुंड्री का तो मैं बता दूँ, लोग बोल रहे कि रोड बहुत ख़राब नहीं है, मतलब बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रेच है जो थोड़ा सा ख़राब है, मतलब डाइवर्जन वगैरह आपको मिलेगा तो डाइवर्जन में हम्स वगैरह है, रोड थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा सा स्टेज ख़राब है। उसके बाद जो है टोल स्टार्ट होता है, टोल के बाद जो है रोड अच्छा है, लेकिन रोड में जो है पैचेज़ हैं, स्मॉल पैचेज़ हैं, छोटे छोटे पैचेज़ हैं, बट स्टिल यू कैन मैनेज इट। और आप 80-90-100 की स्पीड मैनेज कर सकते हो उस पैचेज में भी। और नाइट ड्राइविंग लोग पर अवॉइड करें, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप अच्छा ड्राइव कर पाते तो आप नाइट पर भी ड्राइव कर सकते हैं, रोड अभी ठीक ठाक है। थोड़ा सा स्टेज जो है विजयवाड़ा से राजमुंड्री का थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा ख़राब है, उसके बाद ठीक ठाक है। तो कल हमने ऑलमोस्ट 12 घंटे लिए, 12 साढ़े 12 घंटे का अराउंड लिया हमने, और 850 किलोमीटर ड्राइव किया। सो आज देखते हैं, कवर करते हैं यहाँ से भुवनेश्वर का, पहला प्लान यहाँ से भुवनेश्वर जाने का। और भुवनेश्वर के बाद अगर हम देखते हैं, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं अपने नेटिव जमशेदपुर की तरफ जा सकता हूँ, अदरवाइज आई विल स्टे इन भुवनेश्वर इटसेल्फ। और बाकी जो है आज का रूट मैं आपको प्लान ये बता देता हूँ, डेटू का ये है कि विशाखापट्टनम सिटी में मैं सोच रहा था एंटर करूँ, बट अभी सोच रहा एंटर ना करूँ, देखता हूँ। विशाखापट्टनम सिटी से पहले जो गूगल आपको रूट दिखाता है वो वाला रूट शायद मैं ले सकता हूँ। और कल का जो मैं बता दूँ, कल जो है गूगल का मैंने कोई भी रूट फॉलो नहीं किया। गूगल जब भी आप ये वाड़ा से निकलते हो तो लेफ्ट लेने के लिए पहले, राइट लेने के लिए पहले बोलता है, डिटूर दिखाता है, आप उसको मत ले, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर लेफ्ट लेने के लिए दिखाएगा, नहीं ले वो NH 16 को फॉलो करें तो जो है वो सही रहता है। अदरवाइज आप जो गूगल जो रूट दिखाता है वो बहुत ख़राब है, बीच बीच में रास्ता नहीं है, ख़राब है और बहुत सारे टर्न्स हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल यही जो है कल तक का जो डे वन का जो समरी यही है। आज अभी निकलते हैं, हमारा ऑलरेडी सब कुछ हमने कर लिया, अभी मैं निकलूँगा, देखते हैं कितना देरी में जो है भुवनेश्वर कवर अप कर पाते हैं। चले दोस्तों, मिलते हैं ऑन द वे, स्टे ट्यून्ड गाइज़।